एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास ऑफ अकाउंट्स। रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है। आई होप आपको कल का लेक्चर जो है वो पसंद आया हो। आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन वर्ल्ड EW है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी हम लोग नए लेक्चर्स डालते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इसके ऊपर अपलोड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि द जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो रहता है ये रहता है एक टेन्योर, जिसके लिए हम लोग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब हम लोगों ने जो बुक्स बनानी है ना, वो कितनी देर के लिए बनानी है, उसको हम लोग कहते हैं टेन्योर, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ये 12 मंथ्स का रहता है। 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर का रहता है। और फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड जैसे 1 ईयर का रहता है ना, उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो चीजें होती है ना, दिस इज ऑफ 1 ईयर। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 अप्रैल से, और एंड कब होती है? 31 मार्च के दिन। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च के दिन जो है वो ये खत्म हो जाता है, ये वाला ईयर। ठीक है, अदरवाइज अगर 1 जैन से शुरू हो और 31 दिसंबर पे खत्म हो तो उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। कौन सा ईयर बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा। मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में समझाया था, डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स बनता है, विच मीन्स टू एस्पेक्ट्स आर देयर। ठीक है, यही समझाया था ना कि हर डेबिट के इक्वल्स एक क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है। जैसे लाइबिलिटीज को आप लिख लेते हो एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब ये है बाहर से लिया हुआ पैसा। ठीक है, और कैपिटल को हम लोग लिख लेते हैं इंटरनल इक्विटी, विच मीन्स बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया। ठीक है, या फिर एक हम लिख लेते हैं एसेट्स इक्वल टू बोरोड फंड्स, जो लाइबिलिटीज की तरह हमारे सामने आते हैं, एंड ओन्ड फंड्स जो हमारे अपने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट आर डिनोटेड बाय। अब देखो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स के बारे में उसने बात की है। अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स एक तरह के पिलर्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। डिफाइन के साथ साथ हाउ टू डू अकाउंटिंग, इसके जो बेसिक रूल्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स। और अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स क्या है? कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स है। अब आपने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं और आपने कन्वेंशंस भी पढ़ी हैं, राइट? कॉन्सेप्ट्स ज्यादा रिजिड है, ज्यादा यूनिवर्सल है। कन्वेंशन जो है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, कन्वेंशंस वो चीजें हैं जो इजी करने के लिए काम को अकाउंटेंट्स ने एक तरह का कल्चर सा डेवलप कर लिया है। जैसे टू लगा दिया डेबिट साइड पे, बाय लगा दिया क्रेडिट साइड पे, है ना। टू डेबिट साइड पे हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो हम टू के साथ शुरुआत करते हैं, क्रेडिट साइड पे हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो हम बाय के साथ शुरुआत करते हैं। ये चीज हम लोग करते हैं, है ना। सो व्हाट इज दैट? ये जो है ना ये कन्वेंशन है, यहाँ पे है, इंडिया में है, यूके में, यूएसए में इसको यूज ही नहीं करते। सीधे अकाउंट का नाम लिखते हैं, टू बाई लिखते ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट जो है, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस एक अलग है, इंसान अलग है, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो बुक्स जो है वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। ये जो है ना, दीज आर द कंसेप्ट। अब इसके साथ दूसरा ऑप्शन है बुक कीपिंग। ये मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, ये सब मिलके क्या बनते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, जैसे AS1, AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है हाउ टू ट्रीट द आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। ठीक है, ड्रॉइंग क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर इज वाइडर देन एक्सपेंस,
ये भी आपको मैं बता देती हूँ, आप देखना सुनना ध्यान से। एक्सपेंस हमेशा रेवेन्यू नेचर का होता है। जैसे आपका सपोज करो फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग जितने भी खर्चे कर रहे हो ना, जितनी बार आपने सामान इधर से उधर लेके जाना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर कैपिटल भी होता है, रेवेन्यू भी होता है। अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो आपका एक एसेट बनेगा, कैपिटल खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए है, और रीसेल करने के लिए बिल्डिंग भी नहीं। अगर आपने एक दुकान से दूसरी दुकान तक आप वुड जो है वो लेके आए हो, वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। बिल्डिंग खरीदना, शॉप बनाना, वो भी बिजनेस से रिलेटेड है, बट इट इज बिकमिंग एसेट फॉर द बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लॉस क्या होता है? घाटा। जब भी हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं इनकम से, सो वी इनकर लॉस। मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न की क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है? इन शॉर्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बिजनेस इज कॉन्टिन्यूइंग, चलता ही रहता है, बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है। सो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इज क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी द अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। किस बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग पीरियड इसके बारे में बात करता है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज है जो 100 ईयर्स पुरानी है। जैसे एमडीएच की बात कर लो, है ना, एमडीएच, एमडीएच मसाले वाली कंपनी है जो, है ना, 100 साल पुरानी कंपनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो डेली अकाउंट्स बनाते होंगे और उसको कभी भी चेक नहीं करते होंगे, तो हर बंदा जो है वो एक एक साल के बाद उन्होंने टाइम पीरियड रख लिया होगा कि चेक कर लिया करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया करेंगे। अदरवाइज हम वेट थोड़ी करेंगे कि कब 100 साल बाद, 150 साल बाद बिजनेस बंद होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, नो। तो अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम में एक एंटिटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करती है, सालों साल जब करती है तो वो अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग करती है। कंजर्वेशन कंसेप्ट क्या कहता है? इसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, एंटीसिपेट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉफिट होने की आशा है तो मत रिकॉर्ड करो ना। अगर मैं ये कहूँ कि आप में से सामान खरीद के गए हो और आप कल आके पैसे दे दोगे, मुझे वो ये जरूर लिखना है कि क्रेडिट पे सेल हुई है, मुझे ये नहीं लिखना है कि तुम दोगे ही दोगे, हो सकता है तुम ना भी दो। तो कहते हैं, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरा स्टॉक ₹10 में आया मेरे पास, ये बिकेगा ही बिकेगा ₹17 में, तो ₹7 हर यूनिट के ऊपर मेरा प्रॉफिट है, तो ऐसा मत सोचो। पर हाँ, अगर किसी लॉसेस के होने के चांसेस है ना, वो जरूर मेंशन करो। मतलब अगर किसी ने आपके पैसे देने हैं, हो सकता है वो ना दे तो वो बैड डेट हो जाएगा। अगर डेटर मतलब जिसने पैसे देने हैं, अगर वो नहीं देगा तो वो बैड डेट हो जाएगा, वो जरूर मेंशन करो। कहता फिर कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? जब हम लोग P&L अकाउंट पे लगाते हैं ना पुत्र जी, तो P&L अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे सारे की सारी इनकम होती है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करके हमारे पास जो बचता है, या तो प्रॉफिट बचता है या फिर लॉस बचता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर, द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, दो अलग फॉर्म्स के बारे में, जैसे पी लिमिटेड है एक कंपनी और एक एल लिमिटेड है कंपनी, हमने सेम तरीके में उनके बनाए, मतलब इसका भी फॉर्मेट यही है, इसका भी फॉर्मेट यही है बनाने का, ठीक है। सेम तरीके में अगर हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंस कर रहे हैं, रिलायबल कर रहे हैं, रेलिवेंस कर रहे हैं। रेलिवेंस मतलब हम उसको यूजफुलनेस उसकी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसको यूजफुल बना रहे हैं। क्यों यूजफुल बना रहे हैं? उसको यूजफुल हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक कंपनी का डाटा और दूसरी कंपनी का डाटा, अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन सॉरी क्लास और परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, एक लिस्ट मैंने आपको दी, नेम क्लास और परसेंटेज, एक इस फॉर्मेट में बनी हुई है, एक इस फॉर्मेट में बनी हुई है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगी ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसने पी लिमिटेड के जब अकाउंट्स बनाए, इस तरह से बनाए, यहाँ पे 2010 का डाटा लिख दिया, यहाँ पे 2011 का लिख दिया, कंपेरिजन हो गया, ठीक है। या आप ये कह लो कि उसने इस तरह से अकाउंट्स बनाए, पी लिमिटेड के इधर लिख दी वैल्यूज उठा के, वाई लिमिटेड के इधर लिख दी वैल्यूज उठा के, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है जिसका मतलब है सेल्स,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स, तो इधर भी लिखी सेल्स, इधर भी लिखी, आपस में कंपेयर हो गया ना, यूजफुलनेस क्रिएट होगी ना, यूज यूटिलिटी मिल रही है, कंपैरिजन हो पा रहा है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, वेरीफायबिलिटी की बात करते हैं। कहता है हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने ये लिखा है कि मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो उसके कोई तो कागज होंगे, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी उसका कोई तो बिल होगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप लोग जो है वाउचर के बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड करो, ताकि अगर कोई पूछ ले तो आप वेरीफाई करने वाले बनो। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस। ऑब्वियस है, अगर आप वेरीफाइबिलिटी रखोगे, अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से पता लगे कि यस यू हैव राइटली पुट द एंट्री, तो अकाउंट्स रिलायबल होंगे। अ कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। हम लोग ये नहीं चाहते कि आज हमने बिजनेस शुरू किया कल उसको बंद कर दे, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज गोइंग कंसर्न। बिजनेस में मतलब अनलिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, ये कहना चाहता वो, ठीक है। इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक एंटिटी ये कहती है कि बिजनेस एंड ऑनर आर डिफरेंट। पहले तो ये नोट करो, बिजनेस एंड ऑनर आर डिफरेंट, ठीक है। जो बिजनेस है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड्स बनेंगे, इसीलिए तो कैपिटल और ड्राइंग्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। पर्सनल यूज के लिए अगर ऑनर यूज करे तो वो ड्राइंग्स बनती है, और अगर पर्सनल यूज के लिए ना यूज करे, इन्वेस्ट कर दे बिजनेस के लिए, तो फिर वो कैपिटल बन जाती है। मॉनेटरी यूनिट का मतलब ये है, एवरी ट्रांजेक्शन इज टू बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी क्वालिटीज हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए बनाती हैं? बेटा एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए अब आपने फोकस करना है इसमें से कौन सा पॉइंट बेस्ट है। रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, यूजफुल होना चाहिए और बायसनेस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दी कोई नहीं की। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट करोगे तो वो चीज यूजफुल बनेगी, और आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी का कंपैरिजन करके, या एक ही कंपनी का अपने पिछले सालों की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करके कुछ फैक्ट्स और फाइंडिंग्स निकाल पाओगे और कुछ एनालिसिस कर पाओगे, उसके बेस पर डिसीजन ले पाओगे। कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, कंपेयर करो और कंसिस्टेंटली अकाउंट्स हर साल जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बी। देखो अब आप ये कहोगे कि मैडम डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन और भेदभाव नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी फाइन। पर सेकेंड ऑप्शन देखो ना, सेकेंड ऑप्शन कहता है कि ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी होगा तो वो ऑटोमेटिकली यूजफुल होगा, ठीक है। और कंपेयर करोगे, कंपेयर करने का मतलब ही ये है, जैसे पिछली वाली मोस्ट बोला था कंपेयर करना, तो कंपेयर करना तो रेलिवेंस होना जरूरी है ना, कंपेरेबिलिटी से रेलिवेंस आती है, तो अल्टीमेटली रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी से रेलिवेंस आ ही जाएगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एक होते हैं टेंजिबल जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एक होते हैं इनटेंजिबल जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती, ठीक है। टेंजिबल की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। इट कैन नॉट बी टच्ड, ओनली कैन बी फेल्ट। पर इसकी वैल्यू है तो इट इज इनटेंजिबल। अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन्हीं की दो कैटेगरीज हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। पर फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 ईयर के लिए, इन्वेस्टमेंट, जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया। द एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे टाइम पीरियड में हम लोग कैश में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट, दैट इज नोन एज करंट एसेट, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स आर इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये सारे ही फिजिकल एग्जिस्टेंस इनके नहीं होती, कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ओनली कैन बी फेल्ट। इट इज नॉट लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। द डेट्स व्हिच आर टू बी रीपेड इन अ शॉर्ट पीरियड, 1 पीरियड और लेस, तो वो चीज करंट होगी, दैट विल बी करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड होती है लॉन्ग टर्म वाली, कंटिंजेंट होती है विच मे और मे नॉट अराइज। जैसे अगर मैं ये कह लूं कि कोर्ट केस चल रहा है, अगर हम हार गए, विच मे और मे नॉट अराइज, कोर्ट केस अगर हम लोग हार गए, हमें पैसे देने पड़ने हैं, फिर हमारे ऊपर कर्जा आ जाएगा कि हमने किसी के पैसे देने हैं, दैट विल बी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तब तक प्रूफ तो नहीं ना हुआ कि हमने पैसे देने हैं, जब तक प्रूव नहीं हुआ ना तब तक वो कंटिंजेंट है। हो सकता है हम जीत जाएं तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो दैट विल नॉट बी करंट लाइबिलिटी देन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी देन। नेक्स्ट इज
ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप देखो, गुड्स जो है ना, आपने सेल करनी होती है, सामान जो आपने बेचना है, उसके लिए खर्चा रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप गुड्स खरीदते हो, पैकिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेल्स में से आप उसकी कॉस्ट निकाल दो, आपके पास जो बचेगा ना, दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट। अच्छा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, उसके लिए जो अकाउंट है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके लिए जो अकाउंट बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद निकलता है नेट प्रॉफिट, उसके लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजिशन का पता लगता है। ट्रायल बैलेंस समराइजेशन में यूज होता है, समराइजिंग में यूज होता है। इसमें क्या होता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों साइड बराबर आ जाए ना, इसका मतलब आपके अकाउंट्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट बने हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, वी डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग डिडक्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करोगे, जीपी बचेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। स्टॉक अकाउंट को चेक करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का मिलना मुश्किल है, कितना है वो मिलना मुश्किल। स्टॉक अकाउंट कहता है जाके यहाँ चेक करो या स्टॉक टेकिंग करो। स्टॉक टेकिंग करोगे ना तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का पता लगेगा कि एक्चुअल में स्टॉक कितना। ठीक है, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिक्स्ड एसेट। हमने बेस्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से। आर ब्रॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस, यस दिस इज करेक्ट, कि हम बिजनेस में यूज करने के लिए बुलाते हैं, मंगवाते हैं। एक्सपेंसिव आइटम्स है, बिल्कुल ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है। विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेयर एंड टेयर रहता है, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ का मतलब जो जल्दी वेयर आउट नहीं होंगे। नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर सेल, यस रीसेल के लिए नहीं लिए पर बिजनेस में यूज होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं, अब ये ध्यान से नोट करना, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी ब्रॉट इन यूज फॉर बिजनेस। करंट एसेट में भी ठीक है, फिक्स्ड एसेट में भी ठीक है। एक्सपेंसिव आइटम्स, ये एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, ये एक्सपेंसिव आइटम है, तो ये इसका एक फीचर हो गया। बट समटाइम करंट एसेट भी एक्सपेंसिव आइटम होती है। अगर आपका बीएमडब्ल्यू का शोरूम है, तो बीएमडब्ल्यू में बीएमडब्ल्यू कार्स जो है एक्सपेंसिव आइटम्स है ना, आइटम्स विच आर नॉट वेयर आउट क्विकली। ये भी वेयर आउट होता है, ये भी वेयर आउट होता है। ठीक है, बट लॉन्ग लाइफ है, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है, इसकी शॉर्ट लाइफ है। लॉन्ग लाइफ सिर्फ फिक्स्ड एसेट में वर्ड यूज करोगे आप, है ना। ये भी एक्सपेंसिव तो हो ही सकता है ना कुछ हद तक। मे और मे नॉट आएगा यहाँ पे, मे और मे नॉट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए यूज किया, ये रीसेल के लिए यूज नहीं किया। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या फर्क है, तो मैं ये कहूंगी ना कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप लोग सेल कर देते हो, सेल करने के लिए खरीदते हो, और फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जिनको सेल करने के लिए नहीं खरीदते। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर है। द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू सेलेबल कंडीशन। अच्छा, मेरे पास गुड्स हैं, मैं उसको सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं उसकी पैकेजिंग करूंगी अच्छी से अच्छी, है ना, सेलेबल कंडीशन में मैं उसको लेके आऊंगी, तो वो खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो पीएनएल में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? पीएनएल अकाउंट में। ये नोट कर लो। डिस्काउंट रिसीव्ड आर, जितना भी आपने डिस्काउंट रिसीव किया वो कहाँ पे आता है? बायर ऑफ गुड्स डिस्काउंटेड, ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। अच्छा, बायर, नन ऑफ दीज तो आना ही नहीं ना। गिवन बाय अस, अगर हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये ऑप्शन भी गलत है। डिडक्टेड व्हेन रिसीव कैश, अगर मैंने कैश रिसीव किया तो मुझे अगले बंदे को डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स। पर्सन टू हुम मनी इज अवॉर्ड बाय अ फर्म अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदी है बाय अ फर्म, मनी इज ओड, हमने पैसे देने हैं तो हमने उसके पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, टू होम वी ओ, जिसको हमने पैसे देने हैं, हु ओज अस, दैट इज डेटर। सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर, सेल्स को टर्नओवर भी बोलते हैं बेटा। कहता है ना कंपनी का टर्नओवर कितना है, इसका मतलब ये कंपनी की सेल्स कितनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज किया ये है, पेड सैलरीज ये भी है, पेड ₹5,000 फॉर पर्सनल बैंक, पर्सनल बैंक है, बैंक भी मेरा अपना, खर्चा भी मेरा डोमेस्टिक, तो बिजनेस से तो लेना देना नहीं है ना, तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हिच इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग लैंड एंड मशीनरी बैलेंस विद बैंक, ऑल ऑफ दीज फिक्स्ड एसेट बैलेंस विद बैंक, क्योंकि ये करंट एसेट है, द
दिस इज करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर, इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की है ही नहीं। क्रेडिट पे एसेट परचेज करना, कैश पे एसेट परचेज करना, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करना, या एम्प्लॉइज का स्ट्राइक करना। एम्प्लॉइज का स्ट्राइक करना क्योंकि ये सारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से अराइज होती है अगर हम उधार पे काम करके आए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी बेस, कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन हम लोगों ने पढ़ी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई टर्म नहीं समझ में आई, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंशन करो, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेंशन है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उस लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए। थैंक यू।